ईडी की अटैचमेंट है ना 752 करोड़ की, तो उनको मालूम होना चाहिए कि कानून क्या कहता है, ये तो मालूम होना चाहिए ना। ईडी तो वकीलों के इशारों पे चलती है ना, वकील बताते होंगे उनको कानून क्या है। तो मुश्किल ये, एटलीस्ट मुझे ये मुश्किल लगती है कि अगर यंग इंडिया कहते हैं कि उन्होंने सारे शेयर एजेएल के ले लिए 99%, यही है ना, ये चार्ज है ना, तो इसका मतलब वो एजेएल की प्रॉपर्टीज के की जो संपत्ति है उसके वो तो हकदार बन गए, ठीक है ना। अगर मैं आपकी कंपनी में शेयर खरीदता हूं, मैं रिलायंस में खरीदता हूं, टाटाज में खरीदता हूं या अडानी की कंपनी में खरीदता हूं, और मेरे पास 10 लाख शेयर है, तो मैं अडानी की प्रॉपर्टी का संपत्ति मेरे पास आ गई। शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर होता है ना, संपत्ति तो कंपनी की होती है, प्रॉपर्टीज कंपनी ओन करती है, शेयर होल्डर प्रॉपर्टी नहीं, शेयर होल्डर की संपत्ति तो नहीं होती। शेयर होल्डर तो अपने शेयर बेच सकता है, कोई और खरीद सकता है। तो पहली बात कि ये कहना कि इनकी 752 करोड़ की जो एसेट्स हैं एजीएल के, उनके ये मालिक बन गए, कानून के आधार पे बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शेयर होल्डर कभी मालिक बनता नहीं कंपनी की प्रॉपर्टी का, पहली बात तो ये। दूसरा, ये सेक्शन 25 कंपनी, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब कि ये कंपनी में कोई मुनाफा नहीं आ सकता, ठीक है ना। अगर मुनाफा नहीं आ सकता और यंग इंडियन अगर लिक्विडेशन में चले जाए या काम नहीं कर रहा है, तो किसी और सेक्शन 25 कंपनी को चले जाएगा, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। तीसरी बात, चीट किसने किसको किया, एजेएल तो नहीं कहा कि यंग इंडियन ने चीट किया, ना यंग इंडियन ने कहा कि एजेएल ने चीट किया, तो किसको चीट किया, किसका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, किसके साथ कंस्पिरेसी हुई। अब थोड़ा बहुत कानून हम जानते हैं, और ये लोग तो ईडी और इनके महावकील तो ज्यादा जानते होंगे, लेकिन हमें जरा बता दें कि कौन सा ऐसा कानून है जो कहता है कि शेयर होल्डर कंपनी का एसेट्स का मालिक बन जाता है। जिस तरीके से ये क्लेम किया गया है, अटैच कर रहे हैं, और राजस्थान के पोल्स भी हैं, आपको लगता है कि ये पोल से नहीं, नहीं नहीं नहीं, लोग समझ चुके हैं, इनके कारनामे लोग समझ चुके हैं। इस देश में अगर आप एक वर्ल्ड कप में, जहां प्लेयर्स का एक सैंक्टम सैंक्टरम होता है, वहां आप चले जाएं, ठीक है ना, जो आज तक दुनिया में कभी नहीं, किसी भी क्रिकेटिंग कंट्री में नहीं हुआ, और साथ में अपने फोटोग्राफर भी ले जाएं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि सब पॉलिटिक्स के लिए होता है। तो ईडी भी पॉलिटिक्स करती है और ये लोग भी पॉलिटिक्स करते हैं, और पॉलिटिक्स के आधार पे मीडिया भी चलता है। एक और प्रश्न है सर, लास्ट यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी अब इलेक्शन के भी पास आ रहे हैं राजस्थान के, तो उन्होंने कहा है कि जो जो सरकार रही है उन्होंने औरतों के लिए कुछ नहीं किया, जब हम आएंगे तो उनके ऊपर एक्शन लेंगे। इस तरीके से लास्ट ग्लिच है, लास्ट मोमेंट है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने क्या देखना है, देखिए ऐसा है कि इस देश पे कोई ऐसा मैं क्या संवैधानिक आधार के संविधान के आधार पे यहां राजनीति नहीं हो रही, रोज के रोज संविधान का उल्लंघन होता है। कोई धर्म के आधार पे वोट मांगता है, वो कहता है कि भैया अगर हम जीत गए तो हम राम लल्ला का दर्शन करवा देंगे, आपसे पैसा नहीं लेंगे, ये कौन सी पॉलिटिक्स हुई, ये कौन सी पॉलिटिक्स हुई। और इसका मकसद क्या है कि हमें आप वोट दो तो रामलला के पास फ्री जाओ, ये तो कानून का उल्लंघन है। लेकिन कौन परवाह करता है, ना इसी परवाह करेगा ना कोई और परवाह करेगा, और जब इलेक्शन पिटीशन फाइल होगा उससे 5 साल निकल जाएंगे, नया इलेक्शन आ जाएगा।